नमस्कार सीएस की न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 14 फरवरी, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, दरअसल एक पत्ते एक मीडिया से बातचीत करते हुए इंटरव्यू में जब गृह मंत्री शाह से पूछा गया कि नागरिकता संशोधन कानून और NRC के मुद्दे पर क्या अब अमित शाह पीछे हटेंगे दिल्ली में हार के बाद, तो उनका जो जवाब था वो आपको चौंकाने वाला होगा। और गृह मंत्री अमित शाह पर आप गर्व करेंगे कि आपको एक मजबूत गृह मंत्री मिला है। पूरी खबरें विस्तार से जानेंगे, अगली बड़ी खबर जानेंगे। यहाँ पर सीए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, 13 लोगों से 21 लाख वसूलने के लिए योगी सरकार ने किया है ऐलान। मुसलमान बोल रहे हैं कि आखिर 21 तारीख को बिना मतलब के दंगा कर दिए हैं। इसके साथ अगली बड़ी खबर जानेंगे, यहाँ पर जिस दिन प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल होंगे उसी दिन सरकार गिरा दूंगा निशिकांत दुबे झारखंड में। आपको बता दें कि झारखंड में आप कांग्रेस पार्टी के 15 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। जी हाँ, आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, भारत का गर्व बढ़ाया है इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री। जी हां, भारतवंशी ने बढ़ाया भारत कमान। समय 10 बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर सीए प्रदर्शन को लेकर ओवैसी का योगी पर हमला, कहा बच्चों को मुसलमानों को खास करके युवाओं को टारगेट बना रही है योगी की पुलिस। जी हां, समय 10 बड़ी खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी नागरिकता संशोधन कानून का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि दिल्ली में हुई हार के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला इंटरव्यू, उन्होंने दिया है बड़ा बयान CAA और गोली मारो जैसे बयानों को लेकर। जी हां, दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ना हम पहली बार लड़ रहे हैं और ना ही पहली बार विपरीत परिणाम आए हैं। बिहार में भी हारे थे, कर्नाटका में भी हारे थे, लेकिन सरकार बनाए। मध्य प्रदेश राजस्थान भी हारे हैं, लेकिन हमें ये हार स्वीकार है, लेकिन अपनी विचारधारा से समझौता करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। हम चुनाव, किसी भी चुनाव को हम जीतने या फिर हारने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम अपनी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की लड़ते हैं। और दिल्ली में हमारी विचारधारा की जीत हुई है, हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, उनकी मत में कमी आई है लेकिन हमारे मत परसेंट बढ़े हैं। हमने सीटें कम पाई हैं लेकिन हमारे मत परसेंट में बढ़ोतरी हुई है। किसी एक पार्टी, हमें लोग सांप्रदायिक पार्टी कहते हैं लेकिन सांप्रदायिक कौन है? आज हिंदू अगर सांप्रदायिक होता तो आज क्या आम आदमी पार्टी को वोट करता? लेकिन आज मुसलमान पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया है। एकजुट होकर उसने आम आदमी पार्टी को अगर ना दिया होता तो आज बीजेपी की सरकार होती। इससे इसी के साथ जब पत्रकार ने पूछा नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अब आपकी क्या स्थिति है, क्या दिल्ली में हार के बाद इसको वापस लेंगे, जिसके बाद अमित शाह का जो जवाब था, दरअसल गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि एक इंच पीछे हटने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अगर CAA नागरिकता संशोधन कानून कोई दिल्ली का मुद्दा नहीं है, देश भर से अपार समर्थन मिल रहा है। जितने इसका विरोध हुआ है उससे 20 गुना ज्यादा इसका समर्थन मिल रहा है। आज विरोध की घटनाएं हमें देखने को मिलती है, जबकि जो शांतप्रिय ढंग से हिंदू अपने घर में बैठा है, इसको समर्थन करता है, वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं निकला है, वो गोलियां नहीं चलाई हैं, इसलिए मीडिया में उसकी ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनी है। लेकिन 80% लोग इस देश की जनता स्वीकार करती है और कौन 20% इसका विरोध करते हैं ये सब जानते हैं। इसी के साथ NRC को लेकर भी गृहमंत्री से सवाल किया गया तो NRC को लेकर अमित शाह ने साफ कहा, फिलहाल अभी संसद में हमने इसका जवाब दिया है, अभी ये लागू नहीं होगा। तो पत्रकार ने पूछा क्या ये हमेशा के लिए नहीं लागू होगा, उन्होंने कहा है कि हम डंके की चोट पर कहते हैं कि ये हमारा घोषणा पत्र है और हमने जितनी भी चीज़ें घोषणा पत्र में कही हैं वो हम करेंगे, लेकिन अभी NRC के लिए फिलहाल रोक उन्होंने बताई है। यानी NRC उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये नहीं कहा कि हम इस पर लागू नहीं करेंगे, यानी उन्होंने अपने घोषणा पत्र की बात बताकर साफ कहा है कि NRC भी लागू करेंगे। तो गृहमंत्री अमित शाह एक इंच ना तो CAA से हटे ना ही NRC से। फिलहाल अगर आप भी गृहमंत्री अमित शाह के साथ हैं और समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के बाद अब मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मेरठ के बाद लखनऊ के प्रदर्शनकारियों को भी 21 लाख वसूलने के लिए योगी सरकार ने जारी किया है नोटिस, न देने पर होगी कुर्की। जी हां, यूपी की योगी सरकार लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 13 लोगों से 21,76,000 रुपए वसूलेगी। दरअसल आरोपियों को 16 मार्च तक धनराशि जमा करने के ऐलान किया गया है। लखनऊ में 19 दिसंबर को CAA के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुआ था,
दौरान सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनकारियों से धन वसूलने की भी बात कही थी। आपको बता दें कि ये धन वसूली की बात लखनऊ में ही नहीं है, इसके अलावा संभल, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़ के साथ साथ सहारनपुर में कई ऐसे जगह हैं जहां पर योगी सरकार ने लगभग करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि झारखंड से निकल के आ रही जहां पर कांग्रेस पार्टी और झामुमो में जबरदस्त फूट। जी आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विधायक प्रदीप दुबे पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन प्रदीप यादव, जो कि एक बीजेपी विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, उसी दिन मैं हेमंत सरकार गिरा दूंगा, क्योंकि कांग्रेस से 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को यौन शोषक ही पसंद है, जो उनके लिए भगवान मालिक। प्रदीप यादव पर जेबीएम की महिला प्रवक्ता ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद उन पर बाबूलाल मरांडी ने कार्रवाई भी की थी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा है कि प्रदीप यादव 2 फरवरी को दुमका में जेबीएम ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन अंतिम फैसले में मामला बिगड़ गया। कांग्रेस का यह सोचना चाहिए था कि संघ परिवार ने प्रदीप यादव को विधायक, महामंत्री और मंत्री बनाया। उस संघ परिवार और बीजेपी के वे नहीं हुए तो किसके साथ होंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हेमंत सरकार के, कांग्रेस पार्टी के 10 विधायक हैं, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। दरअसल इसी के साथ आपको बता दें कि बाबूलाल मराड़ी की जो पार्टी है वो 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी में विलय होगी और मुख्य विपक्षी दल के वो नेता हो जाएंगे। और माना जा रहा है कि बाबूलाल मराड़ी के भी संपर्क में कुछ नेता हेमंत सरकार के कुछ मंत्री, विधायक उनके साथ हैं। ऐसे में देखने की बात होती है कि झारखंड की राजनीति कहां जाती है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि इंफोसिस के कोफाउंडर नारायण मूर्ति दामाद ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय मूल के राजनेता ऋषि सुनक को गुरुवार को नया वित्त मंत्री बनाया। सुनक इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। वो जॉनसन मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के दूसरे बड़े मंत्री हैं। भारतीय मूल के ही प्रीति पटेल इस समय ब्रिटेन की गृह मंत्री हैं। इससे पहले पाकिस्तानी मूल के साजिद जाबिर के पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार था। उन्होंने अप्रत्याशित रूप से हाल ही में पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। दिसंबर में हुए आम चुनाव में जॉनसन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी भारी कामयाबी के साथ दोबारा सत्ता में आई और प्रधानमंत्री ने इस बार अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल कर दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि योगी सरकार द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर असद ओवैसी ने सीएम योगी पर बोला हमला। जी हां, दरअसल AIMIM के प्रमुख असद ओवैसी ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए मुसलमानों को लेकर ओवैसी ने कहा है कि CAA योगी के पुलिस हम मुसलमानों की प्रताड़ना कर रही है, उन्हें प्रताड़ित करके कर रही है, क्योंकि वो हमारी अगली पीढ़ी हैं। युवाओं को प्रताड़ना कर रही है, वो हमारी पीढ़ी हैं, ताकि उनमें डर पैदा हो जाए। बच्चों पर अत्याचार करना केवल ये दर्शाता है कि वो कितने भयभीत हैं। हमारे बच्चों से बदला लिया जा रहा है, इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी योगी सरकार पर निशाना साधे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पुदुचेरी विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास, AIDMK का विरोध। जी हां, दरअसल पुदुचेरी विधानसभा में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद CAA के खिलाफ प्रस्ताव पास करने वाला पुदुचेरी छठा राज्य हो गया है। मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने कहा है कि केंद्र से नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने का आग्रह पुदुचेरी विधानसभा में पारित किया गया है। विधानसभा के एक विशेष सत्र में मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी ने कहा है कि NRC और NPR के साथ ही CAA लागू करने की प्रस्तावित योजना देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। हालांकि आपको बता दें कि वहां की राज्यपाल किरण बेदी ने प्रदेश सरकार को खत लिखकर कहा था कि प्रदेश सरकार को CAA के खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित करना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस में जबरदस्त फूट, जयराम रमेश बोले पार्टी को अस्तित्व बचाने के लिए नए सिरे से कोशिश करना होगा, यह हार कोरोना वायरस की तरह है जिसका कोई इलाज नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के काम करने के तरीकों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कोच्चि में आयोजित पुस्तक मेले में कहा है कि कांग्रेस नेताओं को खुद में नयापन लाना होगा। अगर पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है तो इसे नए सिरे से कोशिश करनी होगी। सांसद रमेश ने कहा है कि कांग्रेस की हार कोरोना वायरस जैसी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं है और कांग्रेस पार्टी को अपना अहंकार छोड़ना होगा। 6 साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी हमने कुछ ऐसे बर्ताव नहीं चेंज किए जी कि दोबारा हमें सत्ता मिल सके। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर जोधपुर निवासी मंगल प्रभात लोढ़ा संभालेंगे मुंबई बीजेपी की कमान। जी हां, जोधपुर निवासी देश के सबसे अमीर
अमीर बिल्डर मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई महानगर बीजेपी के अध्यक्ष होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश के बाद राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने मंगल प्रभात लोढ़ा की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। लोढ़ा को पिछले वर्ष जुलाई के मुंबई महानगर बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब वो अस्थायी कार्यकाल था, लेकिन अब वो आदेशों के बाद वो अस्थायी तौर पर 3 साल के लिए नियुक्त हो गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सिंधिया की दिल्ली के हार के बाद बताया निराशजनक, कहा नई सोच विचारधारा की सख्त जरूरत है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं दिल्ली की हार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि परिणाम बहुत निराशाजनक रहे हैं। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर से सिंधिया ने कहा है कि कांग्रेस को अब नई सोच और नई विचारधारा नई प्रणाली के साथ काम करने की जरूरत है। हमें अपनी विचारधारा में बदलाव करने की जरूरत है।